तो भाई पूरे साल जिसका वेट रहता है वो टाइम आ चुका है, यानी कि फेस्टिव सेल आने वाली है जिसके अंदर आप दुनिया भर की चीजें परचेज करोगे। कोई स्मार्टफोन लेने वाला है, कोई लैपटॉप लेने वाला है, और मेरे चैनल पे लैपटॉप वाली ऑडियंस सबसे ज्यादा है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में इतना तुमने बोला कि भैया सेल आने वाली है कि बताओ कुछ क्या कुछ कैसे। हर बार बताते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस बार नहीं बताएंगे? थोड़ा रिसर्च में टाइम लगता है। तो भाई आज की वीडियो में टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि गेमिंग/प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में आपको बताने वाला हूँ। प्रोडक्टिविटी और गेमिंग इसलिए क्योंकि ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप है, और थिन एंड लाइट पे भी मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता, ईवो वाले नॉन ईवो वाले, वो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगी। एंड ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर कोई भी डील्स वगैरह मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको एक्सपेक्टेड प्राइसिंग बता दूंगा कि सेल में इतने तक मिल सकता है। मैं आपको सिर्फ रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर इतना बजट है तो ये लैपटॉप लो, इतना बजट है तो ये लैपटॉप लो। बाकी जब सेल आएगी, डील्स लाइव होंगी, अपने हिसाब से चॉइस उस टाइम बना लेना प्राइसिंग वगैरह देख के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 50,000 रुपीज से। बिल्कुल टाइट बजट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। आप 1650 वाले लैपटॉप्स मत लेना, ना ही मैं रेकमेंड करने वाला हूँ। स्टार्टिंग ही करते हैं RTX 2050 से, जो ऑब्वियसली 1650 से बेटर परफॉर्म करेगा, और आरटी का थोड़ा बहुत फायदा मिले ना मिले पर डीएलएसएस का फायदा आपको मिल जाएगा। तो पहला लैपटॉप जो हमारी लिस्ट में है वो है Acer TUF F15 i5-11400H प्रोसेसर के साथ RTX 2050 मिल जाएगा। इसके अंदर 70 वॉट TGP के साथ जो आता है, इसके अंदर हमारे को 8GB रैम और 16GB रैम के दोनों ऑप्शन मिलते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा 8GB रैम आप लेना ही मत, 16GB रैम करवा लेना। एंड यहाँ पे 512GB की Gen3 SSD मिल जाएगी। डिस्प्ले हमारे को बेसिक वाली मिलती है, 45% NTSC 250 nits की ब्राइटनेस, आईपीएस डिस्प्ले के अंदर मिलती है, 144 हर्ट्ज है, तो आप ई स्पोर्ट्स वगैरह में ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। एंड TUF के इस वाले वेरिएंट के अंदर हमारे को 48 वॉट आर की बैटरी मिलती है, जो एक डाउन साइड है। बैटरी हमारे को बेसिक 2-3 घंटे का बैकअप देगी बेसिक यूसेज में, जिसमें बैटरी सेवर वगैरह लगा लो, स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर लो। एंड यस, MS ऑफिस मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। हमने अपने चैनल पे ये वाला लैपटॉप रिव्यू कर रखा है। हमारे पास ना ऑफलाइन वेरिएंट आया था, तो उसके अंदर ना MS ऑफिस था, लेकिन ऑनलाइन जो वेरिएंट है उसके अंदर कई जगह MS ऑफिस मेंशन है, कई जगह नहीं है, तो वो देख के सेलेक्ट करना। एंड भाई ये लैपटॉप हमारे को सेल में 50,000 के आसपास मिल जाएगा, 50 से नीचे भी हो सकता है, कार्ड वार्ड ऑफर लगा के। अगर बिल्कुल एंट्री लेवल का बजट है, आपको बेसिक लेवल एडिटिंग करनी है, 1080p लेवल की एडिटिंग इसके अंदर हो जाएगी, कोडिंग वगैरह आप कर सकते हो। ग्राफिक्स वाले काम ज्यादा नहीं करवा पाएगा, जैसे 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत बेसिक लेवल के हो जाएंगे क्योंकि ग्राफिक कार्ड है, बट ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के नहीं होंगे। एंड बात आती है गेमिंग की, तो इसका 2050 अच्छा खासा परफॉर्म करता है। हमारे चैनल पे इस लैपटॉप का रिव्यू है, आप वहां पे जाके परफॉर्मेंस देख सकते हो। अगला लैपटॉप हमारी लिस्ट में है भाई Acer Aspire 7 2023। भाई ये 3050 वाला लैपटॉप है और अंडर 50,000 आपको मिल सकता है इस सेल के अंदर। एंड भाई एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो Acer Aspire सीरीज है ये फुल फ्लेजेड गेमिंग सीरीज नहीं है, इसलिए इन लैपटॉप्स के अंदर थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस मिलती है एज कम्पेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप। जैसे 3050 आप दूसरे लैपटॉप में देखोगे, यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर i5-12450H प्रोसेसर है, RTX 3050 है, 60 वॉट वाला, 16GB रैम मिल जाएगी हमारे को, DDR4, और यहाँ पे 512GB की Gen4 SSD मिलती है इसके अंदर, और बाकी डिस्प्ले फुल एचडी वाली बेसिक है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC है, 230 nits के आसपास की ब्राइटनेस मिल जाती है। MS ऑफिस इसके अंदर हमारे को नहीं मिलेगा। एंड बैटरी वॉट आवर भी यहाँ पे ओके साइड है, 50 वॉट आवर की बैटरी है, वही 2 से 3 घंटे का बैकअप ये दे जाएगी बेसिक यूसेज के अंदर। 50,000 का बजट है, 2050 से लेके 3050 पे जब मारना है, लेकिन पतला लैपटॉप चाहिए अंडर 2 kgs वाला, तो Acer Aspire 7 आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। अब हर बार कुछ लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि भैया जब भी आप परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप बताते हो, कोई अच्छी डिस्प्ले वाला लैपटॉप नहीं बताते, तो मैंने इस बार ना वो वाले लैपटॉप्स भी इंक्लूडेड रखे हैं, और 50 से 60k वाली लाइन अभी चल रही है, और आपको एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आप ले सकते हो VivoBook Pro 15 OLED। ये सेल में आपको ना अंडर 60k तक मिल सकता है। Ryzen 5 5600H प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि काफी डिसेंट प्रोसेसर है भाई, मल्टीटास्किंग में दिक्कत नहीं देगा, 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। 5600H का हमने VivoBook अपने चैनल पर रिव्यू कर रखा है, वो देख सकते हो। वो 3050 वाला था, OLED नहीं था, लेकिन आपको प्रोसेसर का अंदाजा उस वीडियो से हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर वो RTX 2050 मिलेगा हमारे को, स्टूडियो सर्टिफाइड वाला। जो स्टूडियो सर्टिफाइड वाले होते हैं ना, उसके अंदर एडोबी की एप्स वगैरह ना थोड़ी ऑप्टिमाइज चलती है। एंड ग्राफिक्स कार्ड के TGP का मेरे को आइडिया नहीं है, 40 to 50 वॉट का 2050 होगा इसके अंदर, जहां तक मुझे लगता है। थिन एंड लाइट वाला लैपटॉप है ये। एंड यहाँ पे हमारे को 16GB रैम मिल जाएगी, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड इस लैपटॉप के अंदर हम रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, ऑन बोर्ड ही रैम मिलती है इसके अंदर, और 512GB की Gen3 SSD मिल जाएगी इसके अंदर। एंड भाई डिस्प्ले मिलती तो इसके अंदर 1080p डिस्प्ले है फुल एचडी वाली, लेकिन यहाँ पे OLED डिस्प्ले हमारे को मिलेगी, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बेसिक है, 400 nits की हमारे को इसके अंदर ब्राइटनेस मिलती है, 600 nits की पीक चली जाएगी अगर आप HDR कंटेंट वगैरह देखते हो। 100% DCI-P3 कलर गैमेट हमारे को इसके अंदर मिलेगा, प्लस वीजा सर्टिफाइड भी है, तो आपको कलर एक्यूरेसी वाले अगर टास्क करने हैं इसकी डिस्प्ले में आराम से कर सकते हो। वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी हो, फोटोज के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी हो, उसके लिए डिस्प्ले बढ़िया है। OTT कंटेंट वगैरह देखोगे OLED डिस्प्ले में जो भाई स्वाद आता है ना देख के, वो बहुत जबरदस्त आएगा। एंड ये लैपटॉप डेडिकेटेडली उन लोगों के लिए है जो कैजुअल लेवल की कैंपेन गेमिंग करते हैं एंड प्रोडक्टिव टास्क करते हैं। ई स्पोर्ट्स वगैरह अगर आप खेलते हो तो ये लैपटॉप मत लेना, क्योंकि प्रोसेसर भी ओके साइड है, एंड 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले लगानी पड़ेगी फॉर अच्छे रिफ्रेश रेट अगर आपके पास डिस्प्ले है तो। बाकी ये लैपटॉप उन लोगों को भी टारगेट करता है जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर MS ऑफिस हमारे को मिल जाएगा, प्लस 70 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, जो बैकअप अच्छा दे जाती है, लाइक 3 आवर्स प्लस का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। अब बात कर लेते हैं 60k से लेके 80k वाले बजट वाले लोगों के लिए। अब जैसे ही 60k से गाड़ी ऊपर जाएगी तो भाई 3050 मिनिमम, उससे ऊपर कुछ मिल जाए वो तो देखो अभी बताऊंगा मैं आपको आगे, लेकिन 2050 आपको 60,000 से ऊपर नहीं लेना। तो यहाँ पे 60,000 की रेंज में हमारा जो पहला लैपटॉप है वो है Asus TUF Gaming F15 जो हमारा i5-11400H के साथ आता है, साथ में RTX 3050 मिल जाएगा 75 वॉट वाला, 8GB रैम हमारे को मिलती है इसके अंदर, 16GB करवा लेना, एंड यहाँ पे 512GB की Gen3 SSD मिल जाती है, बेसिक डिस्प्ले 250 nits वाली, 45% NTSC, 144 Hz रिफ्रेश रेट, MS Office हमारे को इसके अंदर नहीं मिलेगा, एंड बैटरी अच्छी है इसके अंदर 90 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, आराम से 4-5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा बेसिक यूसेज के अंदर। और 3050 वाले TUF की हमारे चैनल पे वीडियो है, लेकिन वो 12 जेन प्रोसेसर के साथ है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा 3050 कैसा परफॉर्म करता है, एंड ये लैपटॉप आपको सेल में अंडर 60K तक मिल सकता है और ये काफी परफेक्ट चॉइस हो सकता है 3050 वाला। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बजट आप इंक्रीज करोगे 64 65 तक आपको मिल सकता है। डेल G15 i5-12500H प्रोसेसर के साथ आता है जो हमारा 12 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, 3050 मिल जाएगा 95 वॉट TGP वाला। Asus TUF में आपको 75 वॉट वाला मिल रहा था, इसमें 95 वॉट है, ऑब्वियसली उससे बेटर परफॉर्म ये करेगा। और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, ये वाले जो 3050 मैंने अभी तक आपको बताई है 4GB VRAM वाले 3050 है, 6GB वाला भी एक लैपटॉप है जो भी आपको आगे बताऊंगा, पर ऑब्वियसली वो महंगा भी है। एंड इस लैपटॉप का बेस्ट पार्ट इसके अंदर DDR5 रैम मिलती है डुअल चैनल में 16GB 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया मिलेगी प्रोडक्टिव टास्क में भी प्लस गेमिंग में भी। एंड यहाँ पर Gen3 SSD मिल जाएगी 512GB की, डिस्प्ले हमारे को बेसिक मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC है। एंड यस एक चीज मेरे को बढ़िया लगती है डेल G15 की, इसके अंदर MS Office हमारे को इंक्लूडेड मिलता है, लेकिन एक चीज साथ में बेकार भी है, 56 वॉट आवर की बैटरी हमारे को मिलेगी, वही 2 से 3 घंटे का बैकअप मिलेगा बेसिक यूसेज पे। एंड भाई इस लैपटॉप का रिव्यू है हमारे चैनल पे, सारी परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। 65K के आसपास अगर आपका बजट है तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो। एंड उसके बाद यही सेम बजट में अगर आपको अच्छी डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए, थिन एंड लाइट चाहिए 1.6 kg के आसपास, तो हमारी लिस्ट में Asus VivoBook Pro 15 OLED, ये जो वेरिएंट है वो OLED वाला है, हमारे चैनल पे विदाउट OLED वाले का रिव्यू है, बाकी सारी चीजें सेम है। इस लैपटॉप के अंदर हमारे को Ryzen 5 5600H प्रोसेसर मिल जाता है जो हमारा 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, RTX 3050 मिल जाएगा जो 4GB VRAM वाला है, 50 वॉट TGP मिलती है, 16GB RAM मिलती है, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, Gen3 SSD 512GB की, डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, यहाँ पे 1080p डिस्प्ले है लेकिन OLED वाली है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है हमारे को, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी HDR में, एंड 100% DCI-P3 कलर गैमेंट मिलेगा, 100% DCI-P3 100% sRGB से भी बेटर होता है। तो आपको कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हो, वीडियो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग करनी हो, आपको बढ़िया OTT पे कंटेंट वगैरह देखना हो तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो। इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा तो ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क हो जाएंगे, लेकिन एंट्री लेवल वाले इसके अंदर 5600H मिलता है जिसके अंदर आप 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और बाकी अच्छे खासे प्रोडक्टिव टास्क भी करवा देगा। लेकिन अगर थोड़े ज्यादा एक्सटेंसिव टास्क करने हैं तो 5800H आप ले सकते हो जो आपको 70,000 तक पड़ जाएगा इस सेल के अंदर। एंड इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है वो हमारे चैनल पे रिव्यू है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को MS Office भी मिल जाता है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बढ़िया है क्योंकि MS Office तो मिल रहा है, साथ में लैपटॉप हल्का भी है। एंड इस लैपटॉप के अंदर 63 वॉट आवर की बैटरी मिलती है जो हमारे को 3+ आवर्स का बैटरी बैकअप दे जाएगी बेसिक यूसेज में। तो ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है जिसके अंदर आपको बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, कैजुअल लेवल गेमिंग करनी है और थिन सीरीज का लैपटॉप चाहिए। और जितने भी VivoBook सीरीज के लैपटॉप है इनके थर्मल्स जो है ना वो ओके साइड होते हैं, मतलब ये लैपटॉप जल्दी गर्म हो जाते हैं और ठंडे जल्दी नहीं होते। गेमिंग लैपटॉप भी जल्दी गर्म होते हैं लेकिन जल्दी ठंडे हो जाते हैं ड्यू टू देयर थर्मल्स। नेक्स्ट लैपटॉप हमारी लिस्ट में आता है Lenovo का LOQ जो i5-12450H प्रोसेसर के साथ आता है, जो 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, RTX 3050 मिल जाएगा इसके अंदर 3050 6GB VRAM वाला है एंड 95 वॉट TGP के साथ आता है। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को DDR5 रैम मिलेगी 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, 16GB रैम मिलेगी डुअल चैनल में एंड साथ में 512GB की Gen4 SSD इसके अंदर मिलती है और डिस्प्ले यहाँ पे हमारे को बेसिक मिलती है 45% NTSC 144 Hz का रिफ्रेश रेट और ये हमारी IPS डिस्प्ले है। लेकिन LOQ के अंदर भाई ब्राइटनेस बढ़िया है, 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जिसकी वजह से जो डिस्प्ले है ना कंपैरेटिवली दूसरे लैपटॉप से काफी बेटर निकल के आती है। एंड यस आपको MS Office भी मिल जाएगा इस लैपटॉप के अंदर और बैटरी ओके साइड है, 60 वॉट आवर की बैटरी मिलेगी, 2.5 टू 3 आवर्स का बैकअप हमारे को मिल जाएगा बेसिक यूसेज के ऊपर। ये वाला जो 3050 है ना ये एक्चुअल 4GB वाले 3050 और 3050 Ti से बेटर परफॉर्म करता है बट 3060 से नीचे ही है। और भाई जो अगला लैपटॉप है लिस्ट में वो कॉम्पिटिशन तोड़ने वाला लैपटॉप है, Acer Nitro V की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो हमारा i5-13420H प्रोसेसर के साथ आता है, RTX 4050 हमारे को इसके अंदर मिल जाएगा जो हमारा 6GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, DDR5 डुअल चैनल में रैम मिलेगी 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, 512GB की Gen4 SSD इसके अंदर मिल जाती है एंड इस लैपटॉप में कोई MS Office नहीं मिलेगा हमारे को, 57 वॉट आवर की बैटरी के साथ आता है तो बैटरी बैकअप आप 2 से 3 घंटे का एक्सपेक्ट इससे कर सकते हो बेसिक यूसेज में। लेकिन भाई 4050 मिल रहा है 75 वॉट में एंड इस लैपटॉप की प्राइसिंग अंडर 80,000 चल रही है आज की डेट में और सेल में हो सकता है कम हो जाए, इसका रिव्यू है हमारे चैनल पे। एंड इसका जो 4050 है वो ऑब्वियसली 3050 से बेटर परफॉर्म करेगा, फिर चाहे वो 6GB वाला Lenovo LOQ का ही 3050 क्यों ना हो, प्लस DLSS 3 या फ्रेम जनरेशन का भी आपको फायदा मिलेगा जिस गेम में सपोर्ट करेगा। एंड ये वाला जो लैपटॉप है ना ये फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। इस लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है या जो थर्मल्स हैं या बॉडी की चेसी है वो Acer Aspire 7 जैसी है लगभग। Acer Aspire 7 से थोड़ी सी बेटर मैं कह सकता हूं क्योंकि अंडर 2 kg वाली कैटेगरी में आता है। फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप 2 kg से ऊपर होता है, उनकी चेसी बड़ी होती है, थर्मल्स बेटर होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं देगा। एंड अगर अंडर 80,000 4050 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इससे बेटर चॉइस नहीं हो सकती। MSI GF63 थिन में मिल जाता है 4050, लेकिन वो 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ है, DDR4 रैम के साथ है, इसके अंदर 13 जनरेशन है, DDR5 रैम है, तो मतलब हर जगह ये जीत जाता है थिन एंड लाइट परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में। एंड हाँ, एक चीज मैं बतानी भूल गया, डिस्प्ले के अंदर बेसिक वाली मिलेगी, वही 45% NTSC, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 230 निट्स की ब्राइटनेस के आसपास। अब जैसे ही बजट आपका 80,000 से ऊपर जाता है तो भैया 3050 को जाओ भूल, अब आपको कम से कम 6 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए, वो है 4050। तो यहाँ पे अगला लैपटॉप जो हमारी लिस्ट में है वो है Acer Nitro 5 जो आता है i7 12650H प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 4050 के अंदर मिलेगा, 6 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन फुली पावर्ड 4050 है, 140 वाट का 4050 है इसके अंदर। वो बात है Nvidia 4000 सीरीज में पूरी वोल्टेज जाती नहीं है, लेकिन फुली पावर्ड वाला है तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा 75 वाट वाले से, जो इससे पहले मैं आपको बता रहा था। एंड एक और बेस्ट पार्ट, इसके अंदर हमारे को DDR5 रैम मिलती है 16 GB डुअल चैनल में, 4800 मेगाहर्ट्ज टॉप स्पीड वाली। डिस्प्ले बेसिक मिलती है 1080p 144 हर्ट्ज 45% NTSC। एंड कोई MS Office इसके अंदर नहीं मिलेगा। 57.5 वॉट आवर की बैटरी के साथ आता है, 2 से 3 घंटे का बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और भाई इस लैपटॉप का रिव्यू है हमारे चैनल पे, आप पूरी परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हो भाई, 4K लेवल की एडिटिंग इसके अंदर कर सकते हो भाई, GPU तगड़ा है, गेमिंग काफी बढ़िया करवा देता है, DDR5 रैम के साथ आता है, तो मतलब कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं देता। एंड इस लैपटॉप की प्राइसिंग सेल में 82,000 to 85,000 के आसपास तक आ सकती है। एंड अगर ये 82,000 to 85,000 में मिलता ना तो भाई बहुत ही बढ़िया चॉइस है 4050 वाला लैपटॉप। उसके बाद अगला लैपटॉप भी हमारी लिस्ट में नाइट्रो ही है। ये वाला लैपटॉप कोर गेमर्स के लिए है क्योंकि इसके अंदर 3070 Ti मिलता है, 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। एंड इसका रिव्यू है हमारे चैनल पे भाई, 1440p लेवल तक की गेमिंग ये करवा देता है क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर क्वाड HD डिस्प्ले है। पहले तो आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। इसके अंदर प्रोसेसर हमारे को i7 12650H ही मिलता है, RTX 3070 Ti मिल जाएगा, 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड, 150 वॉट TGP के साथ ही आता है। रैम इस लैपटॉप के अंदर हमारे को DDR4 मिलेगी, लेकिन 16 GB रैम है तो बढ़िया परफॉर्मेंस ये दे जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड 1 TB की Gen4 SSD इसके अंदर मिल जाएगी। एंड जो डिस्प्ले है ना, क्वाड HD पैनल है, हमने अपनी वीडियो में 100% sRGB बोल रखी है, वो गलत है, ये 100% sRGB नहीं है। तब हमारे पास ना डिवाइस नहीं थी डिस्प्ले टेस्ट करने के लिए, तब हमने अंदाजे से बता दिया था, लेकिन हमने बाद में इसको टेस्ट कर लिया था। बेसिक डिस्प्ले इसके अंदर 45% NTSC वाली, लेकिन ब्राइटनेस 250 निट्स से ऊपर गया है, 280 290 निट्स की ब्राइटनेस है, तो उस वजह से डिस्प्ले की थोड़ी ब्राइट और बढ़िया लगती है। और यहाँ पे MS Office हमारे को नहीं मिलेगा। एंड 57.5 वॉट आवर की बैटरी है जो 2 से 3 घंटे का बेसिक बैकअप दे जाएगी। एंड इस लैपटॉप के अंदर RTX 3000 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है, तो भाई आपको DLSS 3 का तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जो रॉ परफॉर्मेंस है ना वो 4050 से बेटर है एंड समटाइम्स 4060 से भी बेटर परफॉर्म कर जाता है रॉ परफॉर्मेंस में, क्योंकि VRAM भी ज्यादा है, वॉटेज भी ज्यादा है। तो अगर आपका 90,000 तक बजट है और एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप आप देख रहे हो तो ये चॉइस आपके लिए हो सकता है। आपके लिए DLSS 3 वगैरह मैटर नहीं करता, आपको एक बढ़िया GPU चाहिए, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, आर्किटेक्चर वाला काम आपको करना है तो ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। और जब हमारी गाड़ी 90,000 तक पहुंच चुकी है और अच्छी डिस्प्ले वाला लैपटॉप अभी तक नहीं आया, जो मतलब हमारा पतला लैपटॉप और अच्छी डिस्प्ले और बैटरी बैकअप भी अच्छा दे जाए, वर्किंग प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ, तो अगला लैपटॉप हमारा यहाँ पे VivoBook सीरीज का ही है, Asus VivoBook 16X, जो हमारा i7 12650H प्रोसेसर के साथ आता है, जो पिछले वाले 2 नाइट्रो में मैंने आपको बताया। RTX 4050 हमारे को इसके अंदर मिल जाएगा, 6 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन इसका 4050 जो है हमारे को 50 वॉट के आसपास मिलेगा। एग्जैक्ट TGP नहीं मेरे को पता, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि पतले फॉर्म फैक्टर वाला लैपटॉप है। ग्राफिक्स कार्ड तो 6 GB वाला ही है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं होगा जितना एक फुल फ्लेजेड 4050 होता है। एंड यहाँ पे 16 GB DDR4 रैम मिल जाएगी, 512 GB की Gen4 SSD मिल जाएगी, और इसके अंदर MS Office भी हमारे को मिलेगा, 70 वॉट आवर की बैटरी है, 4+ आवर्स का बैकअप आपको दे जाएगी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट भाई डिस्प्ले, 16 इंचेस का लैपटॉप है, 16 इंचेस की WUXG डिस्प्ले मिलेगी, जो 1200p वाली डिस्प्ले है, 100% sRGB के साथ ही आती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, लेकिन ये OLED डिस्प्ले नहीं है, IPS लेवल डिस्प्ले है। स्टिल इसकी डिस्प्ले बढ़िया है, कलर ग्रेडिंग वाले टास्क आप कर सकते हो, दिखने में अच्छी है, ब्राइटनेस भी डिसेंट साइड है, 300 निट्स है। तो ये लैपटॉप लिस्ट में रखने का रीजन यही है, ये उन लोगों को टारगेट करता है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, पतला लैपटॉप चाहिए, 1.8 kg का वेट है, अंडर 2 kg आता है, प्रोडक्टिव टास्क आप कर सकते हो, CPU बढ़िया है, ग्राफिक कार्ड भी है, ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क भी हो जाएंगे, कैजुअल लेवल की गेमिंग भी इसके ऊपर हो जाएगी। इसका रिव्यू नहीं है हमारे चैनल पे, बट यस YouTube पे सर्च करोगे तो किसी ने तो कर ही रखा होगा, तो एक बार वो देख लेना। एंड ये लैपटॉप सेल में हमारे को 95,000 के आसपास मिल जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अच्छी डिस्प्ले और थिन सीरीज का लैपटॉप चाहिए। फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप से कभी भी VivoBook सीरीज को कंपेयर मत करना, दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस होता है। और भाई अब जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं वो है 1 लाख या 1,20,000 तक। एंड भाई Acer Predator Helios Neo 16 पे जो ऑफर आने वाला है ना, 95,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपको i7 13700HX वाला लैपटॉप मिल सकता है विद RTX 4050, जो लॉन्च 1,25,000 5,000 पे हुआ था। ये एक रिमोट डील है, 1 लाख के आसपास तक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। RTX 4050 फुली पावर्ड 140 वाट 6 GB रैम वाला ग्राफिक्स कार्ड, 16 GB रैम, DDR5, यहाँ पे Gen4 SSD मिल जाएगी, 512 GB। MS Office तो नहीं मिलेगा लेकिन 90 वाट आर की बैटरी मिलेगी, 5 to 6 hours का बैकअप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्रेडेटर सीरीज का बेस्ट पार्ट भाई डिस्प्ले, यहाँ पे WUXGA डिस्प्ले मिलेगी 1200p वाली, 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिलेगी, 100% sRGB इसके अंदर है, 165 वाट्स का रिफ्रेश रेट। तो भाई गेमिंग करनी हो, कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हो, बढ़िया कंटेंट वगैरह देखना हो, डिस्प्ले में भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। प्रोसेसर भाई तगड़ा, 4K लेवल वीडियो एडिटिंग, गेमिंग बढ़िया, 4050 इसका चैनल पे हमारे रिव्यू है, i5 वाले का है 4050 के साथ, i7 वाले का है 4060 के साथ, तो वो दोनों देख लेना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब किसी ना किसी के तो दिमाग में आ रहा होगा कि भैया नहीं 1 लाख से ऊपर पहुंच गया, मुझे तो 4060 चाहिए, मैं 4050 नहीं ले रहा, मुझे करनी है गेमिंग, मुझे कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से। तो हमारा अगला लैपटॉप लिस्ट में Acer TUF F15 2023 वाला, ये हमने रिव्यू कर रखा है चैनल पे। इसके अंदर हमारे को i7-12700H प्रोसेसर मिलेगा, प्रोसेसर है तो पिछली जनरेशन का लेकिन प्रोसेसर अच्छा खासा पावरफुल है। RTX 4060 मिल जाएगा 140 वाट TGP के साथ, जो हमारा 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, ऑब्वियसली 4050 से बेटर है। 16 GB रैम मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली डुअल चैनल में। MS Office नहीं मिलेगा इसके अंदर, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, 90 वाट आर की बैटरी है, 5 to 6 hours का बैकअप आराम से दे जाएगी। एंड यहाँ पे डिस्प्ले बेसिक मिलती है भाई, 1080p डिस्प्ले है, 45% NTSC है, 250 nits की ब्राइटनेस है, 144 Hz का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले से ज्यादा उम्मीद ना करी जाए, ये लैपटॉप मैं डेडिकेटेडली उनको रेकमेंड करूंगा जिनके पास एक्सटर्नल डिस्प्ले है। आप प्रोडक्टिव टास्क करोगे लैपटॉप लगा के आप आराम से कर सकते हो, इसके डिस्प्ले पे कलर ग्रेडिंग वाले टास्क नहीं होंगे। गेमिंग की परफॉर्मेंस ये बढ़िया निकाल के देता है क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत तगड़ा है। बाकी इसका रिव्यू है पूरा हमारे चैनल के ऊपर, आप वो जाके देख सकते हो। ये लॉन्च तो हुआ था 1,15,000 में, सेल में ये 1,05,000 के आसपास तक आ सकता है, विद कार्ड ऑफर विदाउट कार्ड ऑफर, वो आप चेकआउट कर लेना। ये भी एक चॉइस है डेडिकेटेड कोर गेमर्स के लिए, या फिर जिनको ज्यादा बेटर ग्राफिक्स कार्ड चाहिए विद मोर VRAM, जिनको VFX डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर या फिर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चलाना हो, उनके लिए काम आता है। अब थिन एंड लाइट वाले यूजर्स को कैसे बोल सकते हैं जिनको अच्छी डिस्प्ले चाहिए, अब बजट 1 लाख से ऊपर जा चुका है। यहाँ पे भी हमारे पास Asus VivoBook है, Asus VivoBook 14X OLED, जो हमारा 14 इंच का लैपटॉप है, Intel Core i9 13900H इसके अंदर मिलेगा, जो कि बढ़िया प्रोसेसर है। RTX 3050 हमारे को मिलता है, 4 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड, 50 वाट के आसपास TGP होगी, अंदाजा लगा रहा हूँ, कंफर्म नहीं पता। यहाँ पे रैम भी DDR4 मिलती है, 16 GB डुअल चैनल में, SSD भी यहाँ पे Gen3 वाली मिलेगी, ज्यादा बेटर नहीं है। एंड यहाँ पे MS Office हमारे को मिल जाएगा, वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करता है। वेट हल्का है इस लैपटॉप का, 1.5 kg के आसपास वेट मिलेगा। तो जिनको विंडोज लैपटॉप चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, प्रोडक्टिव टास्क करने हैं, ऑफिस वगैरह लेके जाना, या कॉलेज स्टूडेंट हो, पतला लैपटॉप चाहिए, फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप से कंपेयर मत करना। फिर से बोल देता हूँ, कई बाद में तुमको भैया नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, ये गर्म हो रहा है, VivoBook सीरीज थोड़ी ज्यादा गर्म होती है। और बाकी 63 वाट आर की बैटरी हमारे को मिल जाएगी, 3 to 4 hours का बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट पार्ट भाई इस लैपटॉप की डिस्प्ले, यहाँ पे हमारे को 2.8K डिस्प्ले मिलती है, 14 इंच का लैपटॉप है, OLED डिस्प्ले है, 90 Hz का रिफ्रेश रेट है, 400 nits की ब्राइटनेस है, 600 nits चली जाएगी पीक ब्राइटनेस, एंड 100% DCI-P3 मिलेगी। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हैं, फोटोशॉप चलाते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग आप इस लैपटॉप पर आराम से कर सकते हो। इसका प्रोसेसर अच्छा खासा पावरफुल है। एंड ये लैपटॉप आपको सेल में 1,05,000 के आसपास तक मिल सकता है, या हो सकता है अंडर 1 लाख भी मिल जाए, वो आपकी किस्मत है। डेडिकेटेड कोर गेमर्स के लिए नहीं है, हाई एंड टास्क के लिए नहीं है, एंट्री लेवल है बट थोड़ा प्रीमियम साइड पे है, तो ही आप सेलेक्ट करना, वरना और लैपटॉप्स हैं जिसके अंदर वेट ज्यादा हो जाएगा लेकिन परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलेगी। जैसे कि हमारा अगला लैपटॉप Lenovo का LOQ, यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा, i7 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है, 4060 हमारे को मिलेगा, जो हमारा 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 115 वाट TGP के साथ आएगा। एंड ये वाली 115 वाट एग्जैक्ट 115 ही है जो पूरी कंज्यूम होती है, 140 वाट वाला 4060 हो या फिर ये 115 वाट वाला 4060 हो, दोनों की परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि 4060 जो है वो 110 वाट तक ही जाता है। इसका रिव्यू है चैनल पे, आप वो देख लेना। और बाकी 16 GB डुअल चैनल में रैम मिल जाएगी भाई, DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और बाकी 60 वाट आर की बैटरी है, 3 to 4 hours का बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो एक कैची पार्ट है, ये जो लैपटॉप मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ये फ्लिपकार्ट वाला नहीं है, ये वो वाला लैपटॉप है जो मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया था। फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको बेसिक डिस्प्ले मिलेगी, आप Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करना, वहां पे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, कस्टमाइज के ऑप्शन के अंदर जाके आप WQHD डिस्प्ले कर लेना, जिसके अंदर आपको 350 nits की ब्राइटनेस मिलेगी, 1440p वाला पैनल हो जाएगा, 100% sRGB हो जाएगी, प्लस MS Office भी कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक आपको लेना है या नहीं लेना है, उससे भी आपकी प्राइसिंग ऊपर नीचे होगी। एंड आपको Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 1,05,000 से लेके 1,10,000 के आसपास मिल जाएगा। एंड इस लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू देखना है तो वो हमारे चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिनका 1,05,000 से लेके 1,10,000 का बजट है। टफ नहीं लेना, जिससे पहले मैंने आपको बताया था गेमिंग लैपटॉप में LOQ आप ले सकते हो। अब भाई 1,10,000 तक की कैटेगरी हो गई है बंद, अब 1,20,000 से लेके 1,60,000 तक ना, जिनका इतना मतलब तगड़ा बजट है, मैं आपको 2 लैपटॉप में ही बिल्कुल कंक्लूड कर देता हूँ। Acer Predator Helios Neo 16, Acer Acer Predator Helios 16। पहली बात तो इन दोनों लैपटॉप में अगर आपको डिफरेंसेस नहीं पता, इसकी एक ना डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे, आप वो वाली वीडियो देख लेना कि क्या डिस्प्ले में फर्क है, क्या बिल्ड एंड डिजाइन में फर्क है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बाइंग चॉइस बना सकते हो। और जैसे ही 1,20,000 से ऊपर आपका बजट जाएगा तो आप i7 13700HX, i9 13900HX के साथ 4060, 4070, बस यहीं तक आप लैपटॉप लेना। और Acer Predator Helios Neo 16, Acer Predator Helios 16, इनके ऊपर आपको ऑफर मिलेंगे, 10,000, 15,000 ऑफ होगा। मतलब जो लैपटॉप 1.5 लाख पे लॉन्च हुआ था ना, i7 13700HX के साथ 4060 वाला, वो सेल में आपको 1,25,000 के आसपास तक मिलेगा। 4070 1,50,000 से नीचे आपको मिल सकता है। बाकी Helios 16 के लिए जाओगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड आपको मिलेगा। एंड यहीं पे मेरी लिस्ट खत्म हो जाती है। Acer Predator की ना पूरी स्पेक शीट मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि उसके डेडिकेटेड रिव्यूज है, लिंक्स में सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1,20,000 से लेके 1,60,000-1,70,000 तक सिर्फ और सिर्फ Acer Predator ही है। अब तुम कहोगे भैया दूसरे लैपटॉप क्यों नहीं बताए? Lenovo Legion पे कोई ऑफर नहीं है, Lenovo Legion एक्सपेंसिव साइड है, 1,60,000 में 4060 दे रहा है जो आपको 1,20,000-130,000 में मिल जाएगा। Asus के लैपटॉप्स हैं जैसे ROG Strix सीरीज है, वो भी भाई बहुत एक्सपेंसिव साइड है, 1,60,000-1,70,000 में 4060 दे रहे हैं, तो वो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता बिकॉज वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। एंड मेरा मानना यही है, 1,50,000-160,000 से ऊपर आप गेमिंग लैपटॉप में पैसे मत लगाओ। उसके बाद तो भाई या तो पीसी बिल्ड करो, अगर लैपटॉप लेना है तो 1,50,000-160,000 में जो परफॉर्मेंस मिलेगी ना, उससे महंगे वालों में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ वो बात अलग है, 5-6 लाख रुपए का MSI GT टाइटन ले लो, फिर उसमें ही बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी, पर इतना पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये थी मेरी तरफ से पूरी लिस्ट जो आप इस सेल में कंसिडर कर सकते हो, 50,000 से लेके 1,60,000-170,000 तक। हो सकता है तुम्हारी प्रेफरेंस के हिसाब से एक आधा लैपटॉप मिस हो गया तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या फिर मेरी ऑडियंस भी रिप्लाई कर देगी, तो आपकी बाइंग चॉइस और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, जो भी लैपटॉप बाय करना वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से बाय करना, यू नो एफिलिएट। तो भाई पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, कोई भी सजेशन, क्वेरी या फीडबैक हो वो कमेंट में भर के जरूर जाना। पहली बार आओ सब्सक्राइब जरूर मार के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।